अभी आए हैं चाय पीने के लिए कहीं बाहर। जिग्नेश भाई चाय लेके आ रहे हैं। चाय पीने का मन है? अरे तो आ जाओ। कौन मना कि आ जाया करो चाय पीने के लिए, ठीक है? देखो तो हमारे अजय भाई आ रहे हैं। हाय अजय भाई। अरे कोई नहीं, काय को शर्मा रहे हो? बहुत जल्द जिग्नेश भाई एक सरप्राइज लाने वाले हैं। क्या बात है, अभी तो तू बहुतों की चाय ठंडी करेगा। सुबह हो चुकी है। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल दवे। अभी अभी मैं उठा हूँ, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ब्रश किया, तो अभी 9 बजे हैं। आज मैं जल्दी उठ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आय हाय हाय हाय, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया कि आज विशाल दवे जल्दी उठ गया। इसके पीछे एक रीजन है। मैं रात को ना आज 1 बजे सो गया था। 1 बजे सोने का कारण ये था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था, पता नहीं क्यों एकदम अंदर से टायर्ड फील कर रहा था। आंख मेरी ऐसे ऐसे बंद हो जा रही थी बार बार, इसलिए मुझे सोना पड़ा। लेकिन मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर दी, पूरी एडिटिंग कंप्लीट कर दी। भाई क्या हो गया, इतना काय को हॉर्न मार रही है तो ऐसे बिना मतलब कि नॉइस पोल्यूशन करते ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब देखो मेरे को उधर जाना पड़ेगा। एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि यार अभी एडिटिंग छोड़ देता हूँ, कल सुबह उठ के कर लूंगा। लेकिन फिर भी मैंने एडिटिंग कंप्लीट की, पूरी एडिटिंग कंप्लीट की, थंबनेल डिजाइन किया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब इससे ज्यादा नहीं, अब मुझे सोने दो। कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और अपलोड कर दूंगा वीडियो, ताकि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए। तो इसीलिए भी आज सुबह जल्दी 9 बजे मैं उठ गया, और अब मैं करने जा रहा हूँ अपने वीडियो को अपलोड। जल्दी से जाते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, ताकि ठीक 10:30 बजे आपको वीडियो मिल जाए। आज का वीडियो जो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, वो जब तक ये वीडियो आएगा तब तक आपने देख लिया होगा। तो कैसा लगा कमेंट कर दिया करो यार, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपकी एक लाइक, आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतना तो कर दिया करो, एक लाइक शेयर। तो अभी अपलोड करते हैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आपके कॉन्टेंट में कोई भी दुविधा ना हो, इसीलिए जल्दी से अपलोड करते हैं वीडियो को, चलें। और उसके बाद आज अभी तक कोई प्लान नहीं है मेरा, कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा, कोई प्लान नहीं है। लेकिन विशाल दवे के साथ हो तो मनोरंजन तो होना है, पॉजिटिविटी तो मिलनी है, हैप्पीनेस तो मिलनी है, तो क्यों चिंता कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत मजा आएगा व्लॉग के अंदर। तो अभी अपन चलते हैं अपन चलते हैं और व्लॉग को अपलोड करते हैं, ठीक है? चलो अपलोड करते हैं। आप सभी लोगों के लिए कॉन्टेंट जल्दी पहुँचे, टाइम से पहुँचे, सटीक टाइम पर पहुँचे, इसीलिए इतनी मेहनत की जाती है। तो आप लोग यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। So you can see, मैं यहाँ पर अपना व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, व्लॉग 63। ये अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी टाइम क्या हुआ है देखो, 9:18 हुए, और मैं अपना रीसेंट व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। इसको जल्दी से करते हैं ताकि जल्दी से आपके पास कंटेंट पहुँचे। ओके, अभी सोचा था कि देखते देखते मैं सिंक खाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी हुई कि मैंने सिंक जैसे ही निकाली, मुझे पता चला कि अरे यार इसमें तो चींटियां लग गई है। अभी मैंने उसको निकाल करके धूप में रखा है। मैंने अपने घर में देखा है कि मम्मी ऐसी ही करती थी, जब भी चींटियां लग जाती थी ना, वो उसे बाहर रख देती थी धूप में, तो चींटियां जो है वो सबके साथ चली जाती थी और ये बच जाता था। देखो यहाँ पर चींटियाँ आपको दिख ही रही होंगी, पता नहीं कहाँ से आ गई यार। मतलब मैंने पूरा पैकिंग वैकिंग करके इसको रखा हुआ था अंदर, बट अचानक से देखा और मतलब ये यार भूख लगा है आदमी को, कुछ खाने का है और उसमें भी चींटियाँ दिख जाए। लेकिन कोई नहीं, अपन ऐसा छांट वाँट के तो ले ही सकते हैं ना। देखो जैसे इसमें कुछ कुछ में चींटियाँ नहीं है, तो ऐसा छांट के तो अपन ले ही सकते हैं, तो ठीक है। अच्छा टेस्ट है, वेट करते हैं थोड़ी देर तक, चींटियाँ चली जाएगी उसके बाद खाएंगे। तब तक के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर देखते रहेंगे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे उधर और खाएंगे। मजा नहीं लाइफ। चलो देखते हैं पहले तो। हाय, गैस करो फिर से, क्या हुआ मेरे साथ, गैस करो। अरे यार फिर से वही हुआ, मैं वीडियो देख रहा था, निखिल भाई का वीडियो देख रहा था, आधे बीच में वीडियो चलना बंद हो गया। तो सबसे पहले मेरी नज़र गई मेरे फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन पे मैसेज आ जाता है अगर आपका MB ख़त्म हुआ। मैं फ़ोन पे नज़र डाला और देखा कि यू हैव ओनली 100 MB लेफ्ट। मैंने बोला जय माता जी, मर गए, MB ख़त्म, नेट ख़त्म। पिछले बार ऐसा हुआ था ना भाई, सच बता रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं हिल गया था अंदर से, क्योंकि बहुत बोर लगता। आज के ज़माने में अपन नेट के बिना अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। अभी नेट फिर से ख़त्म हो गया है, अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे आइडिया का ऐड-ऑन डलवाना पड़ेगा। वैसे तो मैं आइडिया का 4 GB का नेट डलवाता हूँ, 4 GB पर डे, पर फिर भी यार अभी 12:01 बजे का समय है, कैसे हुआ आई डोंट नो। ज़्यादा कुछ मैंने यूज़ भी नहीं किया पर फिर भी ख़त्म हो गया। हाँ
आज मैंने अपलोड किया ना वीडियो, हाँ 12 से 6 अनलिमिटेड देता है, तो उस बीच में मैं अपलोड कर देता हूँ अपना वीडियो, लेकिन सो गया था रात को, आज सुबह अपलोड किया, अपलोड में 2 GB तो ऐसे ही लग गए होंगे, तो इसीलिए हाँ अब समझ आ रहा है। अभी अपन को एड ऑन तो डलवाना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ अभी नहाना भी है। ओ शेट, अभी कपड़े भी धोने हैं, अरे अंदर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उन सभी कपड़ों को मुझे धोना पड़ेगा, तो अभी अंदर जाएंगे नहाएंगे, कपड़े वपड़े भी धोने पड़ेंगे। कपड़े धोते हुए देखना है क्या है? शर्म कर लो, शर्म कर लो, कपड़े धोते हुए भी देखोगे मेरे को है? भविष्य में दिखा देंगे। और ऐसा मत सोचो ब्लॉगर काम नहीं करता, बहुत सारे काम होते हैं जो करना पड़ता है। देखो अभी कपड़े धो रहे ना, सब काम करने पड़ते हैं यार, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, घर का काम तो घर का काम होता है, तो अभी कपड़े वपड़े धोएंगे, नहाएंगे और फिर एड ऑन भी डलवाएंगे और आप सभी लोगों से फिर बात भी करेंगे। विशाल इज ऑलवेज हियर फॉर यू एवरी बार। अभी जाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा कपड़ा अपना। हाय क्या क्या धोने का है यार, कितनी ज़्यादा धूप है, देख रहे हो, भीड़ भी नहीं दिखेगी आपको वहाँ पर, इतनी ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। इस धूप में अगर बाहर गए ना, बेड़ा गर्क हो जाना है, इसीलिए बैठे रहो, टीन वुल्स देखो, मज़ा करो, मजा नहीं लाइफ। लैपटॉप मेरा ऑन है, तो अभी अभी मैं नहा के निकला हूँ, देख सकते हो आप मेरे बालों को बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैं नहा के निकला, खाने के साथ साथ मैंने अपने कपड़े भी धो दिए, विश्वास नहीं हो रहा। अरे यार क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतना टाइम लगा ना मेरे को नहाने में, कि मैं नहाया भी, अपने बाल भी मैंने वॉश किए और इसी के साथ मैंने अपने कपड़े भी धोए, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी देखो ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं, समझ रहे हो, लाइन से इधर भी सारे कपड़े मैंने धोए हैं। फिर नॉइस पोल्यूशन इतना है ना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितनी पब्लिक देख रही है, नॉइस पोल्यूशन थोड़ा कम किया करो यार, प्लीज़ बहुत सारा तकलीफ होती है। अभी सोच रहा हूँ अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि नेट भी खत्म हो गया है, तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए, अभी सोच रहा हूँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अब देखते हैं, जाऊँगा तो जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा तो आपको साथ में लेके जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो ठीक है जैसा भी है। इन बालों को मुझे कंघी करनी पड़ेगी, कॉम्ब करने की ज़रूरत है इन बालों को। कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, ये देख रहे हो, धूप है, चलो धूप का एक तो फ़ायदा हुआ कि कपड़े सूख रहे हैं मेरे, अभी कपड़े धोए थे ऑलमोस्ट कपड़े सूख गए मेरे, ये देख रहे हो, हाँ ऑलमोस्ट सूख गए, थोड़े थोड़े गीले हैं लेकिन ऑलमोस्ट सूख गए, लेकिन बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है मूड। ये देखो ये अभी चल रहा है, आधे बीस तक पहुँचा है और मैंने रोक दिया, मैंने बोला कि चलो आप सभी लोगों से थोड़ी सी बात की जाए, उसके बाद आगे देखता हूँ। ओके काम करो, इन्जॉय करो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। मैं तो अपने घर में आराम कर रहा था, सो रहा था, आराम की नींद सो रहा था, सच बता रहा हूँ, उसी बीच जिग्नेश भाई का कॉल बजा, मैंने एक बार तो कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था, दूसरे बार फिर से कॉल आया और फिर मैंने कॉल उठाया, जिग्नेश भाई ने बोला कि भाई मैं नीचे खड़ा हूँ कब से, तू आ नहीं रहे, तेरे को कॉल कर रहा हूँ, बोला है तू नीचे खड़ा हुआ है, ऊपर से सबसे पहले मैंने देखा कि भाई तू खड़ा कहाँ है ये तो बता, तो भाई साहब वो देखो वहाँ काउंटर पर खड़े हुए हैं, तो वो भाई साहब नीचे खड़े हुए थे, मैंने बोला ठीक है चल मैं आता हूँ। उसके बाद हम लोग अभी आए हैं चाय पीने के लिए कहीं बाहर, अच्छा था यार, वैसे भी बहुत टाइम से रूम के अंदर बैठा हुआ था, बाहर निकलने की इच्छा थी, बाहर निकल गए। ये देखो जिग्नेश भाई चाय लेके आ रहे हैं, ओके खाओ, चाय पीने का मन है आना है, अरे तो आ जाओ, कौन मना किया आपको, कभी कोई रोक सकता है क्या, आ जाया करो चाय पीने के लिए, ठीक है आराम से पियेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, समझ रहे हो, चाय पर चर्चा करेंगे। देखो तो अभी हम इस होटल में आए हैं, द्वारकाधीश होटल, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फेमस है यहाँ की, यहाँ पर जो है बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं चाय पीने के लिए, जिग्नेश भाई भी आए, क्या हाल है जिग्नेश भाई, मज़ा आया, बहुत जल्द जिग्नेश भाई एक सरप्राइज़ लाने वाले हैं, तो जिग्नेश भाई ने मना कर दिया इसलिए मैं आप सबको अभी नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द बताऊँगा, मना कर रहे हैं यार, बिल्कुल सच में बताने की इच्छा है, तो यार मना कर रहे हैं मेरे को ऑडियंस को बताने से, ये अच्छी बात होती है, नजरें बहुत कुछ बता रही हैं, क्या बात है, चाय ठंडी हो रही है, हाँ हाँ अभी तो तू बहुत होगी, चाय ठंडी करेगा, चल ठीक है चाय पीते हैं, ओके काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। अभी हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है और हम निकल रहे हैं कहीं और के लिए, वो कहाँ के लिए वो मुझे पता नहीं, के लिए निकल रहे हैं, ओके चलो। देखो वो जिग्नेश भाई जा रहे हैं, वो देखो
देखो दिखा, हाँ वो देखो वहाँ पर है, वो एक और दोस्त को लेने जा रहा है, अजय नाम का एक दोस्त है, बहुत ही मस्त दोस्त है, बहुत ही कमाल का दोस्त है अजय। हम अभी आने वाले हैं यहाँ द्वारकाधीश टी स्टॉल में, यहाँ पर थोड़ा सा चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करेंगे। देखो सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अरे क्या हाल है सल्लू भाई, मजा में एकदम मजा कर रहे हो आप तो, हैं मुंह में वाला पेप्सी वेप्सी, क्या बात है सलमान मियां। देखो तो हमारे अजय भाई आ रहे हैं। हाय अजय भाई, हाय अजय भाई, आजा 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 आजा। अरे कोई नहीं, काय को शर्मा रहे हो, कैसे हो अजय भाई, मजा में कैसे हो, अच्छे हो। हाय, तो घूम फिर के बातें बातें करके सब कुछ हम लोग आ गए हैं भाई, बंद हो जा। हाँ तो हम लोग आ गए हैं अपने अपने घर। जिग्नेश भाई वहाँ से अपने घर निकल गए थे, वो मेरे को छोड़ने के लिए आया था, यहाँ पर मुझे छोड़ दिया और फिर वो अपने घर निकल गया। वहाँ से हमने चाय पी, बहुत कमाल की चाय। उसके बाद हम लोग दूसरी शॉप पे गए क्योंकि अजय भाई वहाँ पे हम लोग को मिले थे। अजय भाई को मैंने आप सभी लोगों को दिखाया, वो थोड़े से ना कैमरे के सामने शर्माते हैं, इसलिए उनको पसंद नहीं है कैमरे के सामने आना, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा उनका रिकॉर्ड नहीं किया, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। बोला कि ठीक है कोई नहीं कोई नहीं कोई। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जेंटल हैं स्वभाव के, अगर वो परमिशन देते हैं तो एक आध दिन आप सभी लोगों को मिलाऊंगा अजय भाई से। बहुत ही जेंटल है, बहुत अच्छे स्वभाव के। जैसे पहले वो जिग्नेश के दोस्त थे, उसके बाद मेरे दोस्त बने, लेकिन उनका स्वभाव यार, मैंने आज तक जब भी उनके साथ बात की है, उन्होंने हमेशा हमेशा बहुत ही फनी वे में बात की और अच्छा लगता है उनके साथ बात करके। खाने का क्या है कि आज अभी मैं खाने के लिए कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने अपने साथ खाने के लिए ले आया हूँ ये डोसा है। ठीक है, मैंने साथ में डोसा ला लिया। मैंने बोला कि कौन टाइम वेस्ट करेगा, एक तो मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ, 8 बज गए, 8 बजे मैं आ रहा हूँ, उसके बाद फिर से जाऊँगा खाना खाने के लिए। इससे अच्छा है कि मैं कुछ पार्सल ले आता हूँ, क्योंकि अभी देखो एडिटिंग भी करने की, तो एडिट करेंगे अब ताकि आप तक व्लॉग कल सुबह 10:30 बजे पहुंच जाए। थोड़ा सा खा लेता हूँ, वैसे भी भूख नहीं है उतनी ज़्यादा, थोड़ा सा खा लेते हैं, सो जाएंगे आराम से। अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। कल फिर सुबह 10:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अभी अपन थोड़ा सा एडिट वेडिट करेंगे, उसके बाद आराम से सो जाएंगे, कल सुबह एक्टिव होके आप सभी लोगों के सामने आ जाएंगे। ओके चलो, 1 2 3